हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास आज के इस लेक्चर में हम एक नया सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब मैंने फाइनेंशियल uh, अकाउंटिंग का सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने वहां पर बताया था कि अकाउंटिंग तीन टाइप की होती है याद करिए कौन कौन सी वहां मैंने बताया था अकाउंटिंग तीन टाइप की होती है सबसे पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग और उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहां मैंने डिस्कस किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज के इस लेक्चर में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं ठीक है तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे ये जो अकाउंटिंग है ये कितने टाइप की होती है उसके बाद हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिटेल डिस्कशन करेंगे जानेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है उसके बाद हम कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव या फंक्शंस को डिस्कस करेंगे उसके बाद हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल एंड टेक्निक देखेंगे और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल के साथ फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ और उसके बाद हम कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की राइट आ, वैसे ये जो टॉपिक्स हैं ये कुछ ज्यादा ही हो गए हैं तो ऐसा करते हैं इन टॉपिक्स को हम दो लेक्चर में कवर करेंगे पार्ट वन एंड पार्ट टू दिस इज पार्ट वन ठीक है और पार्ट वन में हम स्टार्टिंग ये जो फाइव टॉपिक्स है ना ये आज के लेक्चर में कवर करेंगे और जो पार्ट टू होगा उसमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अगले जो बचे हुए ये जो तीन टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे ठीक है और एक बात और हर लेक्चर में कहती हूँ फिर कह रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेरा चैनल आपके लिए काफी यूजफुल है क्योंकि मेरे चैनल पर आपको क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ बीबीए बी कॉमर एम बी ए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं ठीक है थीके? उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है तो इसका फायदा उठाइए इन वीडियोस की हेल्प से पढ़िए अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए राइट आ, तो फिर चलिए हम आज का आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ये वैसे स्लाइड जो मैंने स्टार्ट की थी ये स्लाइड मैंने वहाँ पर भी शो की थी अकाउंटिंग तीन टाइप की होती है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते थे क्लासीफाई करते थे समराइज करते थे इंटरप्रेट करते थे ठीक है उन सारे ही ट्रांजेक्शन को जिनको हम मोनिट्री टर्म पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सके राइट ताकि पर्पज क्या था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज क्या था ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट लॉस है उसको हम फाइंड आउट कर सकें ठीक है ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो पता कर सके दिस इज द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये पर्पज था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया डिटेल में फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है ये भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं क्लासीफाई करते हैं समराइज करते हैं ऑल द कॉस्ट रिलेटेड डेटा जितना भी कंपनी में कॉस्ट रिलेटेड डेटा है उन्हीं के बारे में हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करते हैं ठीक है हम रिकॉर्ड करते हैं क्लासिफाई करते हैं समराइज करते हैं इसका पर्पस क्या है ताकि हम कॉस्ट को डिटरमाइन कर सके ठीक है चाहे वो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट हो या किसी सर्विस की कॉस्ट हो ठीक है तो किसी कॉस्ट को डिटरमाइन कर सके ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके कॉस्ट को रिड्यूस कर सके और फिर टॉप मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है तो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग इस पे भी मेरी सेपरेट प्लेलिस्ट है मैंने कुछ 25 से 30 लेक्चर में पूरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट किया है आज के इस लेक्चर में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरली ये बीकॉम में थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और मैं अगर एम की बात करूं तो एम बी ए सेकेंड सेमेस्टर में आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर और बीबीए में भी थर्ड ईयर में आता है ये पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो ये वर्ड क्या है मैनेजमेंट इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये वर्ड क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी ये वो फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है विच इज डिजाइन फॉर द मैनेजमेंट विच इज डिजाइन फॉर द टॉप मैनेजमेंट ये वो फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है ठीक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है ये वो फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है जिसे डिजाइन किया गया है मैनेजमेंट के लिए यानी टॉप मैनेजमेंट के लिए ठीक है इस अकाउंटिंग की मदद से टॉप मैनेजमेंट अपने जो भी फंक्शन होते हैं उन्हें अच्छे से परफॉर्म कर पाता है ठीक है है ये वो अकाउंटिंग जिसकी मदद से जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाता है ठीक है अब एक बात बताइए जो जो टॉप टॉप मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता है है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है, उसका फंक्शन क्या है उनका काम क्या होता है उनका काम होता है पॉलिसी बनाना यही काम तो होता है प्लानिंग करना डिसीजन लेना ठीक है तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना ये इसी में हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसी इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है जिस इंफॉर्मेशन की हेल्प से जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो क्या कर पाता है वो प्लानिंग कर पाता है ठीक है वो डिसीजन ले पाते हैं वो स्ट्रेटजीज बना पाते, है, पाते हैं पॉलिसीज बना पाते हैं ठीक है तो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है अकाउंटिंग विच इज डिजाइन फॉर द मैनेजमेंट चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ और डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है जिसकी मदद से बिजनेस को और इफिशियंटली परफॉर्म किया जा सकता है ठीक है एक और डिफिनीशन क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है विच हेल्प द मैनेजर जो मैनेजर की मदद करता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम को पहचानने में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है ठीक है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ये फंक्शन हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि मैनेजर्स की हेल्प करना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सॉल्व करना परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना ठीक है फिर से एक बार एक और डिफिनीशन है यहाँ पे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उन इंफॉर्मेशन से डील किया जाता है जो टॉप मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट राइट चलिए आगे बढ़ते हैं एक लास्ट डिफिनिशन मैंने यहाँ पे और इंक्लूड की है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दिस डिफिनिशन इज गिवन बाई सी आई एम ए यूके है, मैंने किया है. Detailed, है management की. इस डिफिनेशन में कहा गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का जिसमें हम क्या करते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंट करते हैं आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानते हैं प्रेजेंट करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेश को ताकि हम क्या कर सकें ताकि फॉर्मुलेट ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सके ठीक है स्ट्रेटजीज बना सके प्लानिंग कर सके कंट्रोलिंग कर सके ठीक है डिसीजन ले सके अपने रिसोर्सेज को अच्छे से ऑप्टिमाइजली यूज कर सके ठीक है और इसकी इंफॉर्मेशन को एम्प्लॉ को डिस्क्लोज किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट है उन्हें सेफ किया जा सके ठीक है तो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है अकाउंटिंग का जिसमें हम इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं ताकि स्ट्रेटजी बना सके ताकि प्लानिंग कर सके ताकि डिसीजन ले सके रिसोर्स यूज कर सके ठीक है तो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये डिफिनीशन काफी इंपॉर्टेंट है कोशिश करिएगा एग्जाम में से लिखिएगा बाकी अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुछ फीचर्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये वैसे फीचर जो पहला है ये आप अभी मैंने डिस्कस किया था सबसे पहला फीचर है इट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये बहुत ही यूजफुल होता है डिसीजन लेने में ठीक है कंट्रोलिंग करने में राइट right? तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये तो आपको काफी हद तक समझ में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग चलिए देखते हैं दूसरा फीचर क्या है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है इट इजDerived फ्रॉम फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना इट टेक्स डेटा लेता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग से ठीक है फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस डेटा पे क्या लगाता है कुछ टूल्स एंड टेक्निक अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में कौन कौन से टूल है उसपे लगाता है टूल्स एंड टेक्निक और फिर प्रिपेयर करता है रिपोर्ट फिर प्रिपेयर करता है रिजल्ट ठीक है और इस रिजल्ट को भेजा जाता है टॉप मैनेजमेंट को और उस रिजल्ट के बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट क्या लेता है डिसीजन लेता है ठीक है प्लानिंग करता है ठीक है तो दिस इज सेकेंड फीचर कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिराइव फ्रॉम फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है वो कहां से डिराइव हुई है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से डिराइव होती है राइट चलिए अब तीसरा फीचर देखते हैं इंटरनल यूज ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट इज

ठीक है दिस इज थर्ड फीचर फोर्थ फीचर क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्योरली ऑप्शनल ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिस है दिस इज प्योरली वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्योरली ऑप्शनल है वॉलेंट्री है ऑर्गेनाइजेशन की अगर इच्छा है तो वो अपने यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस यूज करे अगर न चाहे तो न यूज करे ठीक है देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है जबकि आपने पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिस है वो फॉलो करना कंपनी के लिए कंपल्सरी है ठीक है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस फॉलो करना इज प्योरली ऑप्शनल ये कंपनी की इच्छा है कंपनी को लगता है कि जरूरत है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम अपने यहाँ पे इंस्टॉल करे वरना ना करे जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंपल्सरी लीगल ऑब्लिगेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो फीचर है मैनेजमेंट का इट कंसर्न फ्यूचर देखिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज करके टॉप मैनेजमेंट क्या करता है डिसीजन लेता है ठीक है अब एक बात बताइए डिसीजन तो हमेशा फ्यूचर के लिए लिया जाता है ना आगे जो इंसिडेंट होने वाले हैं उनसे रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं ना डिसीजन कभी पास्ट के लिए तो लिया नहीं जाता है जो चीजें हो गई हैं उसमें अब क्या डिसीजन लेना है ठीक है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं जो हो गया उसके बारे में बात नहीं करते हैं राइट right? चलिए अब आखिरी जो फीचर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देअ इज नो प्राइब फॉर्मेट ऐसा कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट बनाई जाएंगी या जो रिजल्ट आएगा वो एकट में हो ऐसा कोई प्रॉपर तो हो पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं है ठीक है जबकि आपने देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है या जो बैलेंस शीट है उसका क्या फॉर्मेट होगा ये कहा बताया गया है ये कंपनी एक्ट 2013 में प्रॉपरली बताया गया है ठीक है वहां पर कंपनीज के पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो फॉर्मेट को चेंज कर सके बट ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसकी जो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट की जाती है वो कंप्लीटली मैनेजमेंट अकाउंटेंट के विजडम पे डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना चाहता है ये उसका डिस्क्रिप्शन होता है ठीक है बट ऐसा कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है राइट तो चलिए ये थे छह फीचर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चलिए आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है यहाँ लिखा है ना रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं से, मैंने इसे इंक्लूड किया है इस डायग्राम से काफी बातें हमें समझ में आ रही है इस डायग्राम से सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्स डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये डेटा कहाँ से लेता है ये लेता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा लेता है और उस पर लगाता है अपने टूल एंड टेक्निक और फिर आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो इस डायग्राम से ये भी शो हो रहा है इस डायग्राम से ये भी शो हो रहा है कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है दिस इज क्लोजली इंटरलिंक ये इंटरलिंक है और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज इट्स रूट्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसकी जो जड़े हैं ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में है ठीक है तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है फिर देखिए यहां पे बताया गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पीएल अकाउंट बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट को एनालाइज करते हैं ताकि हम कंट्रोलिंग कर सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को और इम्प्रूव किया जा सके ठीक है जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या पर्पज है इसका पर्पज है कि इट हेल्प द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट को मदद करता है प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग में कंट्रोलिंग में पॉलिसी बनाने में स्ट्रेटजीज बनाने में इसमें हेल्प करता है ठीक है तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि रिलेशनशिप बताना है तो आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा ठीक है क्योंकि इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये तीनों इंटरलिंक है और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट इज कम्पेटेबली अ न्यू कॉन्सेप्ट ये एक नया कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा कहां से लेता है वो लेता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से इसीलिए एरो यहां इस डायरेक्शन में बनाया गया है ठीक है तो ये डायग्राम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम जरूर बनाइएगा राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आपको समझ में आ गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है और अगर आपको फीचर्स समझ में आ गया है ना तो अब आप फंक्शन आसानी से बता सकते हैं फंक्शन कहिए है, चाहे ऑब्जेक्टिव कहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पज क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है ठीक है वैसे अगर लास्ट अभी तक जितना मैंने पढ़ा है वो अगर समझ में आ गया है तो ये अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इसलिए अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी ठीक है सबसे पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि इट इज यूज फॉर प्लानिंग ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है ये टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करती है किसमें प्लानिंग में तो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव चाहे शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो चाहे लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो फॉर द फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बिजनेस की जो फ्यूचर एक्टिविटी होनी है उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन हेल्प करती है ठीक है दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है इन कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस बिजनेस एक्टिविटी किसी भी बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ठीक है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में ठीक है या डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है अब आप पूछेंगे कैसे हेल्प करता है तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ जैसे बजट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट जब ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाती है ठीक है तो बजट कोई एक डिपार्टमेंट नहीं बनाता है बजट के लिए सारे डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट अपने जो भी फिगर्स हैं वो बना के वो कैलकुलेट करके देता है ठीक है और सारे डिपार्टमेंट के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से बजट बनाया जाता है ठीक है कोई एक डिपार्टमेंट बजट नहीं बना सकता अगर वो कोई एक डिपार्टमेंट बजट बनाएगा तो वो बजट सही नहीं होगा ठीक है तो वहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जरूरी है तो दिस इज सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेक्स्ट जो फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दैट इज कंट्रोलिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ठीक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल्स होते हैं अभी डिस्कस किया था ना कि टूल अभी हम पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल होते हैं जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे बजटरी कंट्रोल जैसे इंटरनल ऑडिट ठीक है ये कुछ टूल है जिनकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकता है ठीक है और ये टूल कहाँ पे अवेलेबल है ये सब टूल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अवेलेबल है ठीक है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प एंड कंट्रोलिंग चलिए चौथा जो फीचर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दैट इज कम्युनिकेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में हम प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट ठीक है और ये रिपोर्ट जो है ये हम प्रेजेंट करते हैं वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के जो डिफरेंट लेवल हैं उनको ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है और इस रिपोर्ट में जो परफॉर्मेंस है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट सेक्शन की जो परफॉर्मेंस है उस रिपोर्ट में शो किया जाता है ठीक है तो ये क्या है इट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग जो भी परफॉर्मेंस है इसको कम्युनिकेट करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है चलिए आ जाइए पांचवा जो फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस जो फाइनेंशियल डेटा है उसका एनालिसिस करना उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना उसका इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है ठीक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल हैं जैसे रेशियो एनालिसिस ठीक है जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट ट्रेंड एनालिसिस ठीक है ये कुछ टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जिसकी हेल्प से किया जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे एक नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड का जो पर्सन है वो भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को समझ सके ठीक है तो ये है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दिस इज द फिफ्थ फंक्शन आ जाइए सिक्स फंक्शन पे क्वॉंटिटेटिव इंफॉर्मेशन यहां मोनिटरी इंफॉर्मेशन तो शो की ही जाती है बट जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो भी इंक्लूड की जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स में जबकि आपने पढ़ा था ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम केवल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते थे ठीक जब है? जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आखिरी फंक्शन तो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है दैट इज डिसीजन मेकिंग ठीक है आखिरी फंक्शन क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने में सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में राइट right? जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक है जैसे डिफरेंशियल कॉस्टिंग ठीक है ये कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से डिसीजन ले पाता है टॉप मैनेजमेंट को ठीक है अगर टॉप मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे की जाए किसी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी डिसाइड की जाए ठीक है या अगर डिसीजन लेना है कि, कि किसी भी प्रोडक्ट को अपने यहां पे बनाया जाए कि बाहर से उसे आउटसोर्स किया जाए ठीक है इसे कहते हैं मेक और बाय डिसीजन या किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखा जाए कि उस प्रोडक्ट को अब ड्रॉप कर दिया जाए डिसकंटिन्यू कर दिया जाए ठीक है तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं इस डिसीजन को लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है ठीक है तो दीज वेर द फ्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं टूल्स एंड टेक्निक विच इज यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल हैं कौन सी टेक्निक है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज की जाती है थीके? तो अब ये बहुत सारे टूल्स हैं इनके मैं यहाँ पे नाम मैंने मेंशन किए हैं वैसे कि जितने भी टूल्स हैं इन पे मेरी सेपरेट वीडियो है इसीलिए मैंने ये जो टूल्स हैं इनको मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि इन सारे ही टॉपिक पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है आप वहां पे डिटेल में इनको देख सकते हैं बस मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कौन कौन से टूल्स होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे जो टूल्स अवेलेबल है दैट इज बजेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरियंस एनालिसिस ठीक है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीवीपी एनालिसिस इसका फुल फॉर्म है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस रेशियो एनालिसिस कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ठीक है तो ये कुछ टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वैसे ये मैंने यहाँ पे कुछ ही टूल्स लिखे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है ठीक है जो बीबीए बीकॉम और एमबीए के सिलेबस में होते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल है बट इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ठीक है तो दिस दिस ऑल अबाउट लेक्चर आज के लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं अब जो इसका पार्ट सेकेंड होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंपैरिजन एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग से फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंपैरिजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और लिमिटेशन हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिस्कस करेंगे ठीक? आज का लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू एंड हैव अ गुड डे गॉड ब्लेस यू